Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास भारतवर्ष के कोने कोने से पेशेंट आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अब जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, या तिब्बत के लोग हो गए, नेपाल के लोग हो गए, तो इनकी जो आईलिड्स होती हैं एक पेक्यूलर टाइप की होती हैं, अलग तरह की होती हैं, जिससे कि आप देखोगे उनमें फोल्ड नहीं बना होता है जो आईज के पास, तो जिसको आप लोग चाइनीज आईज भी बोलते हैं, सिंगल आई भी बोलते हैं। सिंगल आई क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें स्किन यहाँ से सीधे नीचे तक आ रही है, फोल्ड नहीं बना रही, तो उसको सिंगल आई भी बोल देते हैं लोग, तो चाइनीज आई बोलते हैं, सिंगल आई बोल देते हैं, एशियन आईज भी बोला जाता है इसको, इस चीज़ को। और हम लोग जो उसको करेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको ओरिएंटल ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट के, इन लोगों में उनका एक आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो भी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, वहाँ पे जो उनका एक तरह से प्रोफाइल जो है उसमें यूजली यहाँ पे फोल्ड नहीं होता है। और मुझे लगता है कि वो लड़के अपने आप में बहुत सुंदर हैं। अब हमारे ज़्यादा ज़्यादा पेशेंट चूँकि आने लगे हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर से, हम देखते हैं कि उनका वो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, प्यारी हैं, और मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता कि वो लोग फोल्ड क्यों डलवाना चाहती हैं। मैं उनसे कई बार कहता भी हूँ कि भाई देखिए, ये आपकी एक अलग पहचान है, नॉर्थ के लोग हैं हम लोगों, उनकी अलग पहचान है, लेकिन फिर भी कई बच्चियाँ आती हैं कि कहती हैं नहीं, आप हमें यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड बना के दीजिए, हम चाहते हैं कि ऐसे दिखाई दे, तो एक उनकी लाइकिंग है। लेकिन बिना उस फोल्ड के भी लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं, बड़ी प्यारी बच्चियाँ होती हैं जो हमारे पास आती हैं। तो ऐसे ही हम कुछ डिमांड भी मेरे पास आए थे कि भाई इसके बारे में कुछ आप कुछ पोस्ट डालिए या कुछ वीडियो डालिए। तो अभी मैंने रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते किया था, तो मुझे याद आया ऐसी डिमांड आई थी, तो उस बच्ची का हमने देखिए यहाँ पर फोल्ड बनाया है, तो फोल्ड जो होता है उसमें चूंकि सिंगल आई की जगह हम यहाँ पे कट लेते हैं और स्किन को फिर हम टार्सल प्लेट से जोड़ देते हैं लिवेटर के साथ, फिर उसमें क्या होता है कि उस जगह जहाँ पे लिवेटर मसल जो होता है, जो उठाने वाला होता है, जहाँ पे वो इंसर्शन होता है, वहीं पे हम उसको स्किन को भी जोड़ देते हैं टार्सल प्लेट के साथ, तो वो एक अच्छा सा फोल्ड बना देता है। तो ये जो वीडियो था जो ऑपरेशन टेबल पे भी आया था, तो वो हमने छोटा सा एक वीडियो क्लिप लिया है, उसके इमेजेस ली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रोसीजर को ओरिएंटल ब्लेफरोप्लास्टी हम लोग सर्जिकल टर्म्स में बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया कि एशियन आईज है या सिंगल आई है या आप चाइनीज आई जो भी बोल दीजिए। तो ये एक छोटा सा क्लिप बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन टेबल पर उसकी कैसे फोटो आई है, और ऑपरेशन टेबल पर जब बच्ची गई थी तो वो खुश थी। अब जैसे ही वो बाद में आएगी लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए, तो हम वो भी आपके साथ उसकी इमेजेस शेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी इसमें अपने दर्शकों के लिए दे पा रहा हूँ, जिनकी एक डिमांड थी कि इसके बारे में कुछ बताऊँ, तो वो मैंने बताया कि आप के पास अगर एशियन आईज है, सिंगल आई, तो आप अपने आप में बहुत सुंदर हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई मस्ट नहीं कि आपको कराना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चियाँ जिनको लगता नहीं हम एक फोल्ड चाहते हैं, तो ये भी एक टेक्निक अवेलेबल है, आप अपने शहर के किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क कर सकती हैं और अपना इलाज करा सकती हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी और प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिसके बारे में आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।